जितना जनता के बीच में रहोगे नहीं उतना बेनिफिट है। जब किसी का दर्द होता है तो तब समाज इकट्ठा होता है। अगर उदाहरण नहीं देना यार बेरा के पाटा का बीजेपी वाला ने मेन जो मुद्दा है क्रिमिनल एयर का, क्रिमिनल लगा दिया, शर्त रख दी 6 लाख की आय होनी चाहिए। क्रिमिनल एयर की लगाई है, ये असंवैधानिक है। सभी ने मिलकर ये करा, क्या मेरा कुछ नहीं हो रहा है? दर्द होता है परंतु ऐसे ऐसे होवे। सर आप देख रहे हैं सत्य खबर, आज कैपिटल में हूँ भाई। अरे अभी जो आप तस्वीर देखो थे ना भीड़ भड़ाका की, आपने दीपेंद्र हुड्डा के लिए तो इसी धक्का मुक्की देखी होगी लोगों की। रामनिवास जी तरीका आपका भी वही है, लोग नहीं चिपटे रहे हैं, भीड़ धक्का मुक्की है। हमने सीख रखी भाई दीपेंद्र से बातें, भाई जितना जनता के बीच में रहोगे नहीं उतना बेनिफिट है। पिछड़ा वर्ग का तरीका क्या कर दिया जो इतने लोग इकट्ठे हो गए? हमने नहीं कर, देखो सुनो, हमने नहीं कर। ऐसे है जब किसी का दर्द होता है तो तब समाज इकट्ठा होता है। देखो मैं आपको बताऊं, आप ये बताओ जब कह रही हो ना जब दर्द हो इकट्ठे हुए पर मर रहे माप उठा था आपके नाम के लाओ। नहीं नहीं देखो फिर वही बात आ जाती है, हमारे भाई भी एक आधा न्यू का न्यू नहीं। मैं देखो मैं बताऊँ, जब एक मिनट रुको भाई, जब हमने किसी बात का उत्तर देना है या किसी से हमारी बात लेनी है तो हमने उदाहरण तो देना पड़ेगा। मैं कोई किसी की बड़ा, अगर हमने हुड्डा साहब को नाम लेना होता तो मैं यहाँ पर पोस्टर लगाता, कांग्रेस का झंडा लगाता। हमने कहा ना किसी का झंडा होगा ना किसी का डंडा होगा, ना किसी की जिंदाबाद ना किसी की मुर्दाबाद। हमने बीजेपी कई को मुर्दाबाद है, हमारे भाई प्रेम जांगड़ा जी है, जीले राम जांगड़ा जी हैं, भाई लोकी राम जी, अंकल जीले सिंह जी। सुन मेरी बात, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ सिर्फ। हम देखो एक बारी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम जी मरेड़ी गाँव में चल गए थे, मरेड़ी गाँव में सोनीपत लोकसभा के अंदर चल गए, तो हमने कहा वोट किसको दोगे? बोला वोट मोदी में जाएगा। चुनाव MLA का लड़ा रणदीप, वोट मोदी में। बोले क्यों दोगे भाई? बोले हमारे गांव में 10 लेक्चरर लगे। आपको मैं देखिए ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने कहा 10 लेक्चरर लगे, मैंने कहा देन किसकी है भाई? बोला किसकी देन है? मैं बोला देन हुड्डा की है, हमारी है। बोले हुड्डा के ऊपर सरकार खट रही, मैं हुड्डा ने कानून बनाया 10% पिछड़े वर्ग एक को अलग दिया। अब 100 लेने हैं तो 10 तो धर लागे, अगर 1000 लेने 100 लागे के बैठ पड़े के। अगर उदाहरण नहीं देना यार बेरा के पटागा बीजेपी वाला ने, मैं कहूँ 3,92,000 प्लाट कोई आदमी नहीं होगा को नहीं दिए, तो मेरी गारंटी, हमारी मांग तो यही है सरकार से, क्रिमिनल एयर की मांग है। जब विपक्ष का नेता विधानसभा में स्पष्ट अगर नहीं कही है तो मेरे पास रिकॉर्ड इस बात का। अगर सुन मेरे, विपक्ष का नेता ये कहे भाई खट्टर साहब आप इसमें आए 10 लाख करो, खट्टर साहब ने कहा मैं तो गरीबान दूंगा 6 लाख करूंगा, फिर बता हम किसका उदाहरण नहीं देंगे? तुम्हारे तरह हमारे तरह बात कौन मानेगा भाई? नहीं आप खट्टर साहब तक कुछ कंधे भी नहीं, हुड्डा साहब के नाम लोग बिगड़न लाग रहे हैं खट्टर साहब का। मैं बात करूँ था कहीं आता है बोले नाश कर दिया खट्टर साहब ने तुम्हारे। देखो बात सुनो मेरी बात, नाश तो कर नहीं कंधे लोग आप मेरी सुन बात, जनता कह रही है मेरे कहने से कोई इकट्ठा को नहीं हुआ है। अगर पिछड़ा वर्ग के साथी मेरे पास नहीं आते, जैसे हमारा प्रेम सिंह जी है इनका भी संगठन अलग है, जिले सिंह जी है इनका भी संगठन अलग है, अलग अलग संगठन के एक जगह, अलग अलग संगठन के एक जगह, सिर्फ सबकी मांग एक है। जैसे किसानों के सैकड़ों संगठन थे, सबकी मांग एक थी, हमारी सबकी मांग एक। ये बात दाप पड़ा है इन चीजों की। देखो जी पिछड़ा वर्ग का जो है अनदेखी है, जो सभी सरकारें करती आ रही है, और पिछड़ा वर्ग का जो है एक मेन जो मुद्दा है क्रिमिनल एयर का है, और क्रिमिनल एयर का मुद्दा जो है जो एक भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो आरक्षण का जो आधार है वो शैक्षणिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन है। 1992 में इंदिरा सानी बनाम सरकार, भारत सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 9 जजों का फैसला था, उसकी 1993 में अधिसूचना जारी हुई थी। जो हमारी नौकरी है और जो हमारे स्टूडेंटों के जो दाखिले हैं वो उसी कार्मिक मंत्रालय 1993 की अधिसूचना के आधार पर ही एडमिशन होते हैं। लेकिन इस मौजूदा सरकार ने 2018 में एक क्रिमिनल एयर लगाकर 6 लाख की आय निर्धारित कर दी, क्रिमिनल लगा दिया, शर्त रख दी 6 लाख की आय होनी चाहिए, उसकी वेतन आय और उसका जो कृषि आय वो भी जोड़ दी है। जबकि सेंटर के अंदर उसकी क्रिमिनल एयर में उसका हरियाणा सरकार ने उल्टा काम किया। उस हरियाणा सरकार ने जो ये क्रिमिनल एयर की लगाई है ये असंवैधानिक है, और इसके खिलाफ हमारे समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2021 का फैसला असंवैधानिक करार दिया, 2018 का हरियाणा सरकार का, उन्होंने इनको डायरेक्शन दी भाई जो इंदिरा सानी बनाम भारत सरकार है 1993 की जो अधिसूचना है उसके आधार पर इसको रद्द किया जाए और इसका फैसला लागू किया जाए 1993 का। लेकिन जो 17 नवंबर 2021 को वही जो पुराना
जो मसौदा था तैयार करके नए लिफाफे में डाल के। मुझे एक बात बताओ, वो तो नहीं मान रहे आप, यही कहना है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ भाई, खर्चे तो हुए इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कराए, क्यों मानस मेरे ख्याल में टूटने भी लाग रहा हो खर्चा मेरा सारा इन्होंने करा भाई। कैथल के मेरे भाई है प्रेम जांगड़ा जी, जिले सिंह जांगड़ा जी, देवीदयाल जी, ओम प्रकाश प्रजापति जी, पवन जी, कश्यप समाज के, दीमान समाज, सभी ने मिलके ये करा, क्या मेरा कुछ नहीं बहुरा? यह तो बड़ी बात है जी, मैं तो सोचू था एक लाइए वो हमारे समाज के सभी लोगों ने मिलकर किया है। हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोगों ने ही सारा अरेंजमेंट किया। मतलब यूँ है, मतलब यूँ है, गुड़ेला तो चेहरा है, रीढ़ की हड्डी तो थाम वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी, इसमें कुछ नहीं, रीढ़ की सारे पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाएंगे तो साथ तो लगने, इसमें केवल और केवल कुछ असर भी हो रहा है इन चीजों का, कई सम्मेलन हो रही है। असर बताता हूँ, सुनो मेरी बात, फतेहबाद प्रोग्राम किया, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, उसके बाद में प्रेम जी भी यही है, जिले सिंह जी भी, लोकीराम भी, उसके बाद में हमने सोनीपत गोहाना किया, पिछड़ा वर्ग को पंचायतों में 8% दिया, उसके बाद में फिर हमने भिवानी किया। अब जैसे ही हमने कैथल की रैली टेक की रैली का करना, तुरंत बाद में 10 दिन बाद में इन्होंने नगर निगम में दे दिया 8%। दर्द होता है परंतु तो है पिछड़ा वर्ग एकता, दो तो देना शुरू कर दिया, मिंगली करके देंगे। ठीक, बिल्कुल भाई, रामनिवास गुड़ेला और ये दूसरे लोग जो आए थे मेरे साथ थे और साफ तौर पर कहते हैं कि सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए हम ये सारे सम्मेलन कर रहे हैं, पर इन सम्मेलनों का औचित्य कितना, इनका फायदा कितना, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। कैमरे से मनीष के साथ कैथल से सत्यदेव शर्मा, सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। We'll be right back.